अवसादगते आत्मैव हात्मेन बन्धुरात्मैव रिपुरात्मने जितात्मनं प्रसन्नस्य परमात्मा समाहित सीतस्म सुख दुखेषु तथामान पमानय जगज्जुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्म पूर्वर्णपि न लिप्यते मन मोहन हे भी राम पाई मन मोहना
परम पुरुष विश्व चिंतामणि श्रीमन श्री सत्य नारायण कर अभय पाद पद्म शतकोटी भूमिष्ठ प्रणाम जगजननी आदिशक्ति भगवती माँ शारदा माँ रामचंडी बाबा बालुंकेश्वर अखंड पाद पद्म शतकोटी भूमिष्ठ प्रणाम सर्वसांगे अधिष्ठिता जगधात्री अदि अंचल गर्वा सौंदर्य शक्ति सामर्थ्यवान देवी माँ उपस्थित जगधात्री आदिशक्ति माँ जगदम्बा खिला मुंडा पवित्र पाद पद्म शतद्ध कोटि कोटि प्रणाम करने को सर्वसांगे मोर सम्माननीय ज्ञान विज्ञानी साहित्य अनुरागी साहित्य कदम गुरुजन पंडित मंडली स्थिर स्थबीर स्थितप्रज्ञ सज्जन साधुसंथ विद्वान पंडित संथ समाज महियसी मातृकल्प भगिनीकल्प माँ मैने आर्यवर्त कला संस्कृति संपन्न विद्या पवित्र क्षेत्र मध्य अलंकृत बर्धन कर एठाकार समस्त दूर दूरांतर आसीथिबा गुणी ज्ञानी विद्वान गुरुजन स्थित प्रज्ञ समस्त दर्शक दर्शिका एवं ए अनुष्ठान इष्ट भगवती आदिशक्ति जगदम्बा माँ तारि पाद पद्म समस्त एकत्रित एक मन एक भावना को अवगत करी मार पाद पद्म भक्तिपूर्व अर्घ्य को एक चुंबकीय माध्यम मंगलाचरण सारी जाला पाला माध्यम जो विषय वस्तु अच्छी सोपान अच्छी तारी माध्यम को आम गवन करवा आपण मान बहर नाम हूँ श्रीमद भगवत गीता पराशर आत्मज सत्यवती नंदन कृष्ण वैपायन भगवान व्यासंकर वरिष्ठ लेखरु पदिए भगवान के पाद पद्म रे भक्ति अर्घ्य कलिका को उपस्थापन करिबा लेखिले पिताह मत्स्य जगत माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र मुकार रूप श्याम जजुरे वज गतिहर्ता प्रभु साखी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम मोर सज्जन साधु संथ समस्त विद्वान पंडित कदम्ब जेते बेले भगवान श्रीकृष्ण विद्यमान आज्ञा अर्जुन नंदीघोष रथरे सारथी रूप से कार्यकारी कले समग्र अधर्म को विनाश करबा को अच्छा धर्म को रक्षा करबा को जाई अर्जुनंकर पार्श्वरे उपस्थित होई तांको विश्व रूप दर्शन कराई अच्छा मन मध्यरु विश्वर्ण को आज्ञा दूर करबा को जाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन मध्यरे शंका को परिहार कले निज आत्मीय विरुद्ध मानक मध्यरे युद्ध करिबा पाई भय कला अर्जुन विषर्ण होला आतंकित होला मन भाराक्रांत होला प्रभु समग्र शरीर चर्म जली पड़ा पर अनुभव्य कला कला प्रभु मोर आत्मीय निजर समांदर भाई भक्तृ एमानक विरुद्ध रे युद्ध मु करि पारिबि नाही का संग रे करिबि युद्ध प्रतिवाद कले भगवान कृष्ण समस्त मोर आत्मीय कले अर्जुन आज्ञा युद्ध कोन तमे करुछ आउ के करुछ युद्ध तमे करु नह तमे केवल माध्यम माध्यम युद्ध करुछि मु तमे युद्ध कले माने मरिबे मरिबे तमें युद्ध न कले भी माने विनाश होवे युद्ध करिबा तुमरो धर्म जेहेतु तुमे उपस्थित होइछ कुरुक्षेत्र मध्यरे अच्छा एमानक विरुद्ध रे गांधीब को टंकार करो यस जते बेले भगवान कृष्ण एतक बुझैले अर्जुन अर्जुन मधुर शंका को परिहार करबा को जाई जाई से कहिले
हे अर्जुन समग्र विश्व मध्यरे मु हौचि सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानकर पिता पिता कहिले फादर माता माता विश्व ब्रह्मांड रे जत्ते प्राणी माने अछंती बेस समस्तंकर मु हौचि मां मां धाता पितामह धाता प्राणी मानकर मु मध्य भाग्य विधाता के प्रभु निजे कहउछंती मु हौचि बापा बापा मु हौचि मां मां मु हौचि भाग्य को विधान करथिबा विधाता ए सार अतो एबो ये सर्व संसार मध्य रे ब्रह्मांड रे एहे गोटे प्राणी रो तीनि तीनि प्रकार दायित्व गुम वहन करे ए रो पाटी करनी प्रतिवाद कोले भगवान कृष्ण कर कथा को आज्ञा अर्जुन हवानी हवानी प्रभु बोले प्रभु आपण जगत रो तीनि तीनि प्रकार दायित्व को वहन करंती गोटिए मनुष्य किरे पुओ बा झियोटिए जन्म हवा पाई वंश रक्षा पाई आमे समस्त विवाह करूछु ता माने आपण समस्त मनुष्य मानकर बापा जणे लोक बापा जणे पुणी धाता पुणी जणे होची भाग्य विधाता ए नाही नाही हवनी गोटिए व्यक्ति गोटे जीवन तीन प्रकार दायित्व केमिति लिए केमिति प्रतिवाद कोले भगवान कृष्ण को आज्ञा तृतीय पांडव अर्जुन बेस उत्तर देले पंडित तृतीय पांडव कथा को भगवान नारायण विष्णु बुझाइले भगवान कृष्ण हे अर्जुन देख ये समग्र विश्व ब्रह्मांड तीन प्रकार दायित्व मुमि वहन करे लेखिला गया भगवान व्यास लेखंदु पराशर आत्मज सत्यवती नंदन कृष्ण दैवायन व्यासंकर वरिष्ठ लेखारु बेस भगवान कृष्ण आज्ञा बुझाइले अर्जुन को ए हे कोन बुझाइले कोन बोले ममे वंश जीव लोके ए जीव भूत सनातन मन सस्तानी इंद्रियाणी प्रत्येक मनुष मान परम पुरुष पुरुष प्रत्येक जीवन मध्य उपस्थित होता परम आत्मारूपी परम श्रेष्ठ पुरुष प्रत्येक मनुष मान मुझे दिव्य ज्ञान ज्ञान मुही प्रत्येक मनुष मान भीतर उपस्थित होई दिव्य चेतना ही तैयारी करे करे एवं समस्त प्राणी मान को भीतर आत्मा होई होई कर्तव्य करबा पाई नियंत्रित करे ओडिया भागवत जगन्नाथ दास व्यास आज्ञा ओडिशा रो व्यास होले ओडिया भागवत जगन्नाथ दास की सुंदर लेखा से बयान कोले प्रत्येक मनुष मान को मु केमिति तीनि तीनि प्रकार दायित्व नु जे सुनो चला बाबा आज्ञा कोला मु आत्मा निरंजन मूला ले आउ समस्ते मोर डाल हृदय मधे मन मुझे प्रत्येक मनुष्य भितर प्रत्येक अस्त व्यस्त हृदय मध्य को स्थिर करने को पुनर्बार कहिले प्रत्येक आत्मा मान मूल आत्मा निरंजन मूल समस्ते परम पुरुष आत्मा रूपी जनार्दन प्रति भीतर अच्छी निरंजन मूल ब्रह्म रूप से बासस्थान प्रत्येक भीतर मुहि करे विश्वगुरु नामाचार्य बाबा बाईया बहिना बाईया गीता बाईया गीता प्रत्येक भीतर से अछि आज्ञा पुरुष रूप रे देखि आत्मा रूप रे ब्रह्म रूप रे यस प्रत्येक मनुष्य भीतर से आज्ञा उपस्थित होई प्रत्येक प्राणी मान को आज्ञा नियंत्रित करे करे फिलमान आज्ञा बापा कोला से अटई बड़ माया बिंद्र जाल तो जाने भोग शून्य भाग्य करिले गोप तले से किरणे जगत जीवन अटू
प्रत्येक भितर से बासस्थान करे ता माने पंडित तीन तीन प्रकार दायित्व केमिति वहन कला देखिबा मार ऊपर जन्म दला बापा होई पंडित पालन कला काल होई पंडित पुनी विधातार ऊपर भाग्य के विधान कला देखम दु आज्ञा जगत गुरु शंकराचार्य सीए कहिले कोले ब्रह्मदाता सुर करुवर शंकर रत्नदाता विद्यादाता सरस कविता भोगदाता भवानी सूर्यदाता नयन सुखकर चंद्रदाता सुधांशु सकलदाता सर्पदेव गुणा मूर्ति दाता मुरारी भगवान ब्रह्म आयुष देवे शिव आज्ञा धन देवे सरस्वती विद्या देवे गणेश ज्ञान देवे चंद्र आज्ञा शरीर सौंदर्य देवे सूर्य आयुष चक्षु रूपक आखि को ज्योति आज्ञा प्रदान करिवे किंतु देह को पंडित आत्मा को निर्वाण करे इष्ट प्राप्ति करे मुक्ति करे जणे से होची ईश्वर हे।